हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगला मुखी, जय वैद्यवासिनी। देखिए मैं बता रही हूँ, कल मैंने आज कल कहा था ना कि आज सात मतलब आज माँ का सातवां दिन और अष्टमी सप्तमी अष्टमी दोनों हैं। कल नवमी है और परसों, कल अष्टमी नवमी दोनों है, परसों नवमी का हवन होगा, परसों नवरात्रि पूरी होगी। तो अभी भी कहूँगी कि आप किसी को भी अगर अभी भी कोई शक्तियाँ चाहिए या पूजा में भाग लेना है ले सकते हैं, कोई भी शक्तियाँ करवा सकते हैं। परसों बहुत बड़ा हवन है, हवन में भाग ले सकते हैं। जैसे कल मैंने विस्की वशीकरण का डाला था, सही बोलूँ तो बहुत सारे मतलब 20 से 25 लोगों का मैसेज आया, दो चार लोगों ने काम भी चालू करा लिया। ये मिस मत कीजिए, जो कहा है वो सच कहा है, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सच में ये वशीकरण का कैसे है, मंत्र भी एक्टिव है और चीज़ें भी है, 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट है। 7 दिन तो कम से कम चाहिए, दूसरों के जैसा 24 घंटा 72 घंटा बोलने की आदत मेरी नहीं है। दूसरी बात, आज आप दोपहर को करेंगे धूमावती मंत्र का जप, फिर रात को करेंगे आज अष्टमी का बगला मुखी का जप भी आपको आज ही कर लेना है, क्योंकि आज मंगलवार है। बगला मुखी का जप या तो मंगलवार को होता है या गुरुवार को होता है या शनिवार को होता है, तो आज ही आप बगला मुखी का जप कर लीजिए। और कल आप क्या बोलते हैं, मातंगी माँ का और महालक्ष्मी का मंत्र मैं आपको बता दूँगी, तो वो रात को वीडियो बना दूँगी मातंगी माँ का कल का जो करना है, क्योंकि मातंगी माँ का मंत्र कल सुबह 4 बजे करना है आपको। ये 10 महाविद्याओं के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मंत्र होते हैं अलग अलग टाइम पर। अब जैसे बगला मुखी का मंत्र तो आपको मालूम है, ओम नीम बगला मुखे सर्वष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशय ह्लीम स्वाहा। ये मंत्र का जप जितना हो सके, हम तो 21,000 कर ही रहे हैं और उसके बाद अलग से भी 1,25,000 कर रहे हैं। परसों बहुत बड़ा हवन है, पूरे विश्व के लिए हवन है, जीत तो हमारी हुई है। आपको याद होगा कि हमने 15 मई के पहले जो हमने बगला मुखी का अनुष्ठान चालू किया था 11 लाख का, 15 मई को जो बारिश हुई है उसके बाद अब तक माँ बगलामुखी ने हमारी लाज रखी है, लॉकडाउन नहीं लगा है। एटलीस्ट माँ ने विद्या देवी की लाज तो रख ली, विद्या देवी की टीम की लाज रख ली। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जीत है हमारी, क्योंकि इलेक्शन है। माता रानी भी देखो, भगवान लड़ रहे हैं आप लोगों से इलेक्शन में, तो आप जानते हो कोई भी नेता लॉकडाउन लगने देगा नहीं। 3 मार्च को यूपी में इलेक्शन है, मई में बॉम्बे में इलेक्शन है, मई में बॉम्बे में इलेक्शन हो रहा है, तो सीधी बात है साल भर पूरा हो जाएगा, मई के बाद फिर से बारिश आ जाएगी, लॉकडाउन का सवाल नहीं उठता है। अब इस बार जो ये जाप किया है 1,25,000 के सब, परसों जो हवन होगा उसके बाद ये होगा कि आने वाले जून के महीने से सारे बच्चों के स्कूल चालू हो जाएंगे। मेरी माता रानी मेरी इतनी मेहनत से सफल करेंगी। बस आप सबसे एक ही बात कहूँगी कि विद्या देवी आपके लिए मेहनत कर रही है, आप लोग विद्या देवी के लिए थोड़ा सा दुआ कीजिए कि अब मेरा केशव आ जाए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। कहते हैं ना, एक औरत 9 महीना बोझ लेके चलते चलते थक जाती, मैं तो इतने दिन से मेरा चलना फिरना मुश्किल है। आप सबसे यही विनती कि आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि हमारा केशव जल्दी से मेरी गोद में आ जाए। मैं नहीं चाहती कि मुझे लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो सब चलेगा, लेकिन बस माता रानी मेरी लाज रखे, मेरी जुबान की लाज रखे, मेरी गोद की लाज रखे, और ये रखे कि सबके मुँह पर काले पोते, मेरे बच्चे को मेरी गोद में खेलने के लिए ला दो। बस मैं इतनी जगह पे मन्नत मानी हूँ ना, इतनी जगह चलने फिरने की मन्नत मानी हूँ ना कि माँ आप बस मेरी गोदी में मेरा बच्चा लो, साल भर तो बस मैं इस बच्चे को लेके जगह जगह घूम के मन्नत पूरा करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बा के घर पे जाऊँगी, मेरी बा भी लगी हुई है, तो बस मेरी मेहनत सफल हो। आप सब मेरे मायके वाले हो, मेरा देखो अपना कोई नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, मेरे 3 बच्चे और मेरे केशव के पापा, बस यही मेरा परिवार है, यही मेरे माँ बाप है। उसके बाद अगर मेरा कोई मायका है तो आप यूट्यूब वाले हो बस, और कोई नहीं मेरा। तो मेरे अपनों से ही अगर बेटी हेल्प नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। मैं यही चाहूँगी कि हर कोई यही पूजा करे कि बस अब मेरा केशव आ जाए। दूसरी बात, परसों हवन है, अगर आप चाहो तो हवन में भाग ले सकते हो। मैं अभी भी बोलूँगी, जो सीखना चाहे एक कोई भी शक्ति लो, सुल्तान जिनकी शक्ति नहीं ले सकते, आपकी यथाशक्ति कोई भी शक्ति लो। मेरे पास 30,000 से लेके 3 लाख तक पावर से पावरफुल शक्ति है, जो आपका कहते ना मारण मोहन वशीकरण हर तरह का काम आपका करके दे सकती है। हमें एक चेन बनानी है, जिस तरह से मेरी 15 टीम ने मिल के कोरोना जैसे महाकाल पर जीत पाई है, वैसे मैं चाहती हूँ कि 1500 की टीम पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन सिखाऊंगी। एक एक लोग बोलते हैं माँ हम आपके पास आके सीखे क्या, सॉरी, विद्या देवी अपने पर्सनल लाइफ में अपने परिवार में किसी से लेना देना नहीं रखना चाहती है। मेरे की आदत है, मैं भगवान से एक ही बात मनाती हूँ, मेरे कीड़े मुझे ही दो। अगर मैंने कभी कोई पाप किया है, मैंने कोई गलती की है, तो भगवान उसकी सज़ा पूरी मुझे दो। यूट्यूब मैं चलाती हूँ तो उसकी सारी सज़ा मुझे, अगर मैंने किसके साथ गलत किया तो उससे, मेरे केशव के पापा से, मेरे 3 बच्चों से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम, मेरा बिजनेस मैं अच्छी तरह हैंडल करना जानती हूँ,
तो ये है कि मुझे टीम बढ़ानी है 1500 लोगों की, 1500 से क्या 15,000 लोगों की टीम बनानी है। उसके लिए अगर आप में सही में सीखने की इच्छा है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप कोई भी छोटी सी शक्ति लीजिए, डेली मुझसे जुड़िए। मैंने आज ये विस्की वशीकरण जो शक्ति बनाई है ना, ये वाली 15 टीमों ने उस शक्ति को आजमाया है, उस मंत्र को आजमाया है। वो मंत्र अगर हमने जिस पे भी किया है, ये गारंटी है कि बंदा 24 घंटे के अंदर हमको कॉल किया है। ये बात है, ये मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल है, एकदम अच्छा है, किसी को पागल बनाने वाला नहीं, किसी के साथ कोई गलत करने वाला नहीं है, अच्छों के लिए। लेकिन हाँ, ये मंत्र हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे, कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। हम मंत्र उन्हीं को देंगे जो प्रॉपरली अपने दोनों जोड़े का फ़ोटो भेजेगा, जैसे मियाँ बीबी का फ़ोटो भेजेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फ़ोटो भेजेगा, बस एक्चुअली उन पे ही वो असर करेगा, बाकी किसी अदरवाइज़ किसी बंदे पे वो चीज़ का असर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इस मंत्र का गलत फ़ायदा नहीं उठाए। तो बस देखिए, विद्या देवी के पास ना मंत्रों का खजाना है, और ये खजाना विद्या देवी खुद बनाती है। मेरे मंत्र आपको ना कोई बुक में मिलेंगे, ना कोई किताब में मिलेंगे, ना कुछ, क्योंकि मैं जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे मसालों से खेलने का बड़ा शौक है। मैं सोचती हूँ ये मसाला डालूँ तो क्या बनाऊँ, अगर मेरे सामने आप कोई सब्ज़ी रख दो ना, तो सब्ज़ी को किस तरह से स्वादिष्ट बनाने है मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। इस तरह ही पूजे में मंत्रों के साथ कैसे खेलना है और मंत्रों को कैसे एक्टिव करना है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। आज की तारीख में बड़े बड़े दिग्गज पंडितों ने मेरे आगे ढूंढने टेक दिए, नंबर वन की पोजीशन पे विद्या देवी यूट्यूब पे चल रही है। ये मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, ये मेरी माता रानी का आशीर्वाद है, तो ये आशीर्वाद ही बहुत बड़ी बात है। बड़े से बड़े पंडित है, बता दे विद्या देवी जैसा कोई भी मंत्र जो चुटकियों में काम करे। मैंने तो सारे मंत्र अपने उंगलियों पे सिद्ध किए हैं, मैं उंगलियाँ चलाती रहती हूँ दिन भर बस। और हाँ, मैंने कहा ना हमें स्वरूप मिलेगा, मेरा स्वरूप देखिए मुझे मिल चुका है। कल भी हम मंदिरों में गए हैं तो पुलिस वाले क्या, लेडीज़ पुलिस तक ये बोल रही कि माँ बहुत अच्छे दिख रहे हो। ये हमारा नहीं, हमारी माँ का स्वरूप है। मैंने कहा ना हम सांप के जैसे हैं, नाक कैसे अपना केचुली छोड़ता है, नया पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करता है, कल हमने अपना नया शरीर ऑलमोस्ट धारण किया है। तो बस आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस पूजा में लगे, और आज रात को ही बगलामुखी का जप कीजिए, क्योंकि बगलामुखी माँ ही एक ऐसी माँ है, जब पूरा संसार की देवी सोती है, पूरे संसार का भगवान सोता है, तो एक बगलामुखी माँ ही होती है जो पूरे रात में पूरे विश्व की रचना करके घूम के लोगों की रक्षा करती है। कहते ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। बस अभी आपके ऊपर है, सब बोलते हैं जिन जिन्नात होते हैं, सबको मारते पिटते, मेरे पास तो लाखों की तादाद में जिन्नात है, और मेरे जिन्नात बोलने पर बारिश ला सकते हैं, ये वादा है मेरा। मेरे जिन्नात को अगर मैंने ऑर्डर दिया कि बारिश आनी चाहिए तो बारिश आती है, मैंने कहा ये बंदे को गिराना है तो गिराया है, मती फेरनी है तो फेरी है, ये मेरे में दम है। आप सोचिए, जब जब अनाउंसमेंट होता है कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, मेरी शक्तियाँ लॉकडाउन नहीं लगने देंगी, क्योंकि विद्या देवी डेली सुबह का 1.5 से 2 घंटा पहले पूरे देश की बंदिश करती है। और मैंने कहा था आने वाले 20-25 सालों में ना कोई बीमारी आएगी ना कुछ आएगी, और अब हमारा स्कूल खुलेगा, क्योंकि स्कूल नहीं खुलेगा तो कैसे करेंगे, मेरा बच्चा भी तो होने वाला है केशव, मुझे फिर वो कैसे पढ़ने जाएगा, उसको भी तो छोटी छोटी उंगली पकड़ के पढ़ने ले जाना है ना मुझे, बड़ा शौक है। तो बस आप सब भी मनाइए, मेरा केशव आ जाए, ये वादा ज़रूर है, मेरा केशव आने के बाद विद्या देवी लाइव सबसे मिलेगी, मतलब विद्या देवी जब अपने बच्चे का बारसा रखेगी ना, तो पूरे यूट्यूब को न्योता रहेगा बारसे में आने के लिए, ये मेरा वादा है। बस हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ नरसिंह।